हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत और स्पेन के विषय में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ तथा भारत और स्पेन की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। इन्हीं तथ्यों में मैं आगामी परीक्षा के कुछ ऐसे प्रश्न भी लेने की संभावना है, अर्थात जो तथ्य मैं लूँगा इसमें से कुछ जो आगामी परीक्षाएँ होंगी SSC, रेलवे और भी विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उसमें से करंट अफेयर या अदर टॉपिक्स है जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन ही मैंने इसमें एडजस्ट किए हैं। फ्रेंड्स, इन तथ्यों में मैंने भारत स्पेन का जो इतिहास लिया है और भारत स्पेन का क्या व्यापार है और भारत स्पेन के संबंध इस टाइम क्या है और कोरोना वायरस के दौरान भारत और स्पेन का क्या संबंध इस समय है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पेन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। स्पेन यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा देश है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर तथा फ्रांस और पुर्तगाल के मध्य स्थित है, अर्थात ये बे ऑफ बिसेक और इधर ये फ्रांस भूमध्य सागर है और इधर ये हो गया पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन है, ये इनके मध्य में जो स्पेन है इसकी राजधानी मैड्रिड है। फ्रेंड्स, जो इसकी राजधानी है वो मैड्रिड है। प्रधानमंत्री जो इस समय जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं वो हैं पेड्रो सैंचेज और भाषा है इसकी स्पेनिश। जो इसकी मुद्रा है वो यूरो है और जो स्पेन की समय जनसंख्या है वो 4.96 करोड़ है, अर्थात 4.5 करोड़ लगभग वहाँ की जनसंख्या है। जो स्पेन के प्रमुख शहर है वो बार्सिलोना, मैड्रिड और पाम्पलोना। पाम्पलोना शहर जो है इसमें स्पेन का एक बहुत बड़ा खेल होता है, जो बुल फाइटिंग होती है वो इसमें ही कराया जाता है। जो पर्यटन स्थल है यहाँ के वह है ग्रानाडा और गोडी साइट्स एंड द पेड्रो एंड पेसो डेल आर्ट। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ के यहाँ लोग पर्यटन के प्रमुख धर्म है वो कैथोलिक है, इस्लाम है और 55% जनसंख्या यहाँ कैथोलिक के है। उसके बाद जो है 22% लगभग जनसंख्या है प्रोटेस्टेंट की और उसके बाद है 3% इस्लाम धर्म के और बाकी जो अदर कंट्री। स्पेन के प्रमुख त्यौहार है ला ट्रम्बोर्डा, ये जो ड्रम फेस्टिवल है और एक इसका लास्ट फ्लेस डे बलेनिसिया इसका फेस्टिवल ऑफ फायर है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं भारत और स्पेन के बीच का जो इतिहास कब से है। तो भारत और स्पेन के बीच में 1978 में जो स्पेन एक लोकतांत्रिक देश बना था उस समय से भी पहले भारत के स्पेन से संबंधित हैं। तो जो भारत स्पेन के जो संबंध हैं वो बड़े गर्मजोशी हैं, एक मित्रवत हैं, वो भारत का मैत्री कंट्री में भारत के आता है स्पेन। भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध जो हैं 1956 में थे, तो 1956 में जो दिल्ली में स्पेनिश दूतावास का उद्घाटन किया गया तभी से ये संबंध जो है और भी प्रगाढ़ हो गए थे। जो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मान सिंह जी द्वितीय को 1965 में स्पेन और भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा जो उसकी यात्रा पर गई थी स्पेन की और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पेन का दौरा कर चुके हैं। अभी आप बात कर लेते हैं भारत स्पेन के व्यापार के बारे में कि भारत और स्पेन के बीच में कितना व्यापार है। तो देखिए यूरोप तो स्पेन जो है वो यूरोपीय संघ का एक मेंबर है और स्पेन जो भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है यूरोपीय संघ में। और जनवरी दिसंबर 2018 के दौरान ये द्विपक्षीय जो व्यापार 6.31 बिलियन डॉलर का अमेरिकी डॉलर का हो चुका था, अर्थात लगभग 480 अरब रुपए इंडिया करेंसी लगभग इतने रुपए का व्यापार भारत और स्पेन के बीच चलता है। भारत के स्पेन में शीर्ष जो निर्यात है वो कपड़ा, कार्बनिक रसायन, लोहा, इस्पात, समुद्री भोजन, ऑटोमोबाइल, चमड़ा आदि का जो है इनका व्यापार भारत और स्पेन के मध्य होता है। अब बात कर लेते हैं कोरोना के दौरान भारत और स्पेन में क्या साझेदारी करी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कोरोना महामारी के दौरान जो है टेलीफोन पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज उनसे बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के महामारी के से जो पैदा हालात हुए हैं और सबसे ज्यादा असर जो इसका स्पेन पर और जो यूरोपीय कंट्री पर पड़ रहा है, तो इसी बात को देखते हुए और इस समय जो स्पेन में बहुत बुरी हालत है मैं आपको दिखाता हूँ स्पेन में जो कोरोना वायरस के मरीज जो हैं। देखिए स्पेन में जो इस समय जो कंफर्म केसेस हैं अब तक वो 1,85,000 हैं और लगभग जो वहाँ 19,000 डेथ हो चुकी हैं और भारत में भी 13,000 केस इस समय 13,387 कंफर्म कर लिए गए हैं और 437 भारत में मृत्यु हो चुकी हैं। तो स्पेन जो इस समय दूसरे नंबर पर है और तो स्पेन में बहुत अधिक इस समय महामारी का संक्रमण फैल रहा है।
तो इन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनसे टेलीफोन पर बात करी और जो स्पेन को भरोसा दिलाया कि भारत की क्षमता के अनुसार जो भी मदद बनेगी वो भारत उस मदद को तैयार करने के लिए, और एक बयान भी आया था दोनों देशों के जो नेताओं ने, उन्होंने आपस में मिलकर इस स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर महत्व पर सहमत भी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो जानना अति आवश्यक है। स्पेन देश में जो शादी करनी कम से कम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए, और स्पेन में जो पिछले 10 सालों में जितने बिजनेस स्टार्ट हुए हैं उसमें से 40% महिलाओं ने इसका लिया है। स्पेन में एक खेल है ला टमाटीना नाम का, ये त्योहार है, इसमें जो लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर मारते हैं। स्पेन में जो ऐसे धरोहर स्थल है जो 47 ऐसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी यूनेस्को ने उन्हें विश्व धरोहर की उपाधि दी है। स्पेन पश्चिमी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर आप स्पेन में घूमने के लिए गए हैं और आपने स्पेन के जो शाही परिवार की बुराई कर दी तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है, तो घूमने से पहले इस बात को ध्यान रखना। देखिए स्पेन में 40 से भी अधिक ऐसी गगनचुंबी इमारतें हैं जिसमें लिफ्ट नहीं है, और स्पेन में 8,000 से भी ज्यादा बीचेस हैं, और स्पेन में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वहां घूमने जाते हैं। और सन 1502 में स्पेनी शासन ने सभी मुसलमानों को ईसाई बनने का आदेश दिया था, जिन्होंने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया था उन्हें देश निकाला दे दिया गया था उस समय। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ रोचक तथ्य थे, और मैंने कोई अधिक से अधिक इसमें आपको जो है शॉर्ट में बहुत अधिक बता चुका हूं मैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जो स्पेन भारत के संबंध और उसके बीच में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके संदर्भ में आपको बता चुका हूं। फ्रेंड्स इसी तरह की रोचक वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। हमारा चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है। फ्रेंड्स मेरे आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल MS Knowledge Hub को सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल MS Knowledge Hub को YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हैं और वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। मैं इस समय यूजफुल वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं, जितनी भी नॉलेजफुल वीडियो है, जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं इन प्लेलिस्ट के अनुरूप ही आपको वीडियो देता हूं, जिसमें मेरे करंट अफेयर हैं, जो व्यक्ति विशेष बायोग्राफी है, करंट टॉपिक्स हैं, जो इस समय न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है उन रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी देता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड न्यूज, ये आपको मैं लगातार इन पर वीडियो बना रहा हूं, और जो भी जीके की लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं, CCC के पूरे सेट हैं, यदि कोई CCC की तैयारी करना चाहता हो तो इस प्लेलिस्ट को देख सकता है, और मैंने इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट GK4 एग्जाम होती है उसके लिए भी ये प्लेलिस्ट यहां तैयार कर रखी है। तो फ्रेंड्स आप इन प्लेलिस्ट का आनंद ले सकते हैं, और यहां से अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।